नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज एनसीईआरटी ऑफिशियल इटसेल्फ। मैं हूँ रेणु भट्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम अपने देखने वालों को बता दें कि हम किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ये 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक है व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। और इसके पार्ट टू पे बात करेंगे हम, यानी कि क्या है डेमोक्रेसी और क्यों है डेमोक्रेसी। इसके पहला पार्ट आप पहले ही देख चुके हैं। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ। आप हैं श्री पवन कुमार गुप्ता, आप पीजीटी हैं हिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। और सर से आप सवाल पूछ सकते हैं, अगर कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो कि डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ, कि क्या चीज़ है डेमोक्रेसी, और अगर आप कुछ भी nuances जानना चाहते हैं डेमोक्रेसी के, तो डू शेयर योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस विद अस। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 8800440559, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in, और इन दोनों माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सवालों का इंतज़ार करेंगे। सर, तब तक हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। और जैसे हमने सभी को बताया कि हम व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी पार्ट टू पे बात करने वाले हैं, इससे पहले कि हम चैप्टर पढ़ें और ये डिस्कशन शुरू करें, सत्र शुरू करें, हम आपसे जानना चाहेंगे पार्ट वन के बारे में। बहुत ही ब्रीफ में हमारे लर्नर्स को बताइए कि पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो वेलकम माई डियर लर्नर्स, एंड जैसा कि आपको पता है कि इसका जो पार्ट वन, हम लोग पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और पर्टिकुलरली इस टाइम पर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, राइट। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेसी है, इस चैप्टर को पढ़ना और इस पर चर्चा करना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों अभी हाल ही में हमने क्या किया कि अपनी स्वतंत्रता की 75th यानी 75वीं वर्षगांठ मनाई। और आप सभी जानते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इट इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी संदर्भ में हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या है। और कोई भी कंट्री के लिए, कोई भी वर्ल्ड के बहुत सारे जगहों के लिए, लोगों के लिए डेमोक्रेसी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो इसके लिए पहले पार्ट में ही बच्चों हमने इस बारे में चर्चा करी थी। और इसमें हमने जाना था कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या है। एंड नंबर नेक्स्ट इसमें हमने जाना था कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो हमने कई परिभाषाओं को इसमें देखा जाना, और जो सबसे फेमस जो डेफिनेशन है, परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, उसको भी हमने जाना। एंड यू कैन वॉच इट हियर दैट डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इट इज़ द वेरी फेमस डेफिनेशन। इसके बाद हमने जाना द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। फीचर्स का मतलब कि किस डेमोक्रेसी को हम बोलेंगे कि कौन सी डेमोक्रेसी इज़ अ रियल डेमोक्रेसी। आजकल हम देखें तो विश्व में हर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाना चाहता है जी। लेकिन वास्तव में डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है, किसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे। तो इनके फीचर्स को यहाँ पर हमने देखा, और इन्हें बहुत ही ब्रीफ में आपको एक बार फिर से रिकैप करवाएंगे। द मेजर डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो रियल डेमोक्रेसी में जो रियल में जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो डिसीजंस को लेते हैं। और इसके बारे में हमने जाना था अबाउट द एग्जांपल ऑफ परवेज मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान। इन द सेम वे द नेक्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और इलेक्टोरल कंपटीशन। तो कोई भी डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी तभी है जब उसके जो इलेक्शंस हैं फ्री और फेयर हों। और इसके लिए हमने बहुत सारे कंट्रीज़ के एग्जांपल्स को देखा कि किस तरीके से वहाँ पर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है, एंड वेदर दोज इलेक्शंस आर रियली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और नॉट। नेक्स्ट थिंग वाज वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो एक पर्सन और उसके वोट की वैल्यू एक हो, और उसका यानी वोट का जो एक तरीके से वैल्यू हो वो एक हो। तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर। सो इफ ऑल दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन एनी डेमोक्रेसी देन इट वुड बी सेड अ रियल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन वॉज
द रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स. तो रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. सो ऑल दीज इम्पॉर्टेंट फीचर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. तो वॉट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो बच्चों देखें कि हमारे जो वर्ल्ड में बहुत सारे रूलिंग सिस्टम्स हैं और हर रूलिंग सिस्टम में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई अच्छाई है. लेकिन डेमोक्रेटी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसी है, उसको हम एक बहुत ही अच्छा रूलिंग सिस्टम मानते हैं. और उसको एक अच्छा रूलिंग सिस्टम मानने का रीज़न क्या है कि ये बहुत सारे लोगों के द्वारा, बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इज इट बीइंग एक्सेप्टेड. क्योंकि सर इसमें जो हम सिटीजन्स हैं, जो हम नागरिक हैं, वो खुद अपनी सरकार चुनते अपनी हैं, सरकार चुनते तो हैं. पूरा मतलब हमारा भी पार्टिसिपेशन होता है, हमारा कंसेंट रहता है, हमारा सपोर्ट रहता है. लेकिन डियर लर्नर्स, ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी में कमियां नहीं होती हैं. इट इज द परफेक्ट सिस्टम. देर आर सम डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसीज. सो वेरी फर्स्ट वी विल सी हियर सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसीज एंड देन वी विल डिस्कस अपॉन देम वन बाई वन. तो इसमें आप देखें जो डीमेरिट्स हैं, लीडर्स कीप चेंजिंग. और इसमें इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी कंट्री में इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, अस्थिरता बनी रहती है. नेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, राइट. एंड देर इज नो स्कोप ऑफ मॉरेलिटी. तो जब भी इलेक्शंस होते हैं और इस तरीके से, तो आप देखें कि हर पार्टी, हर लीडर जो है वो पावर को गेन करना चाहता है. नेक्स्ट वन इज, इट इज़ द आइडिया बेस्ड ऑन डिले, राइट. सो डेमोक्रेसी, व्हाट वी सी इन डेमोक्रेसी, मेनी टाइम्स द डिसीजंस आर बीइंग डिलेड. तो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट वन इज, इलेक्टेड लीडर्स मेनी टाइम्स टेक बैड डिसीजंस. नेक्स्ट वन इज करप्शन. एंड नेक्स्ट वन इज, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो हाउ टू मिस गवर्न और व्हाट इज द गुड गवर्नेंस. सो इन दिस वे नाउ वी विल डिस्कस अपॉन देम वन बाई वन. तो इसमें हम देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इट इज़ मैंडेटरी इन दैट डेमोक्रेटिक कंट्री कि उसमें इलेक्शंस रेगुलर होने चाहिए. और जब इलेक्शंस रेगुलर होंगे तो क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है कि हर बार कोई नया लीडर चुना जाए. पहले वाले भी लीडर कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन नए लीडर्स भी चुने जा सकते हैं. और जब कोई नया लीडर चुना जाएगा तो नेचुरली उनके मिनिस्टर्स, उनके ऑफिसर्स, एवरी सिस्टम, राइट, विल बी चेंज्ड. और जब एक बार सिस्टम बदलता है तो हम क्या देखते हैं, सो मैनी पॉलिसीज, सो मैनी प्रोग्राम्स, सो मैनी रूल्स, दे कीप ऑन चेंजिंग. तो जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो पुराने सिस्टम में से बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को, बहुत सारी उनकी नीतियों को बदल देती है. और स्टूडेंट्स, बहुत ही रिसेंटली आपने देखा, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान. तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस चैप्टर को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पीपल, राइट, फॉर द पीपल ऑफ एनी कंट्री. तो इसमें अफगानिस्तान में जैसे ही रूल चेंज हुआ, वहाँ पर तालिबान का रूल आया, तो आप देखें कि वहाँ पर पूरा सिस्टम बदल गया. वहाँ के सारे मिनिस्टर्स, सारा सिस्टम, सारे रूल्स चेंज हो गए. तो दो, दैट इज़ अनदर टॉपिक, दैट इज़ द अनदर एस्पेक्ट. लेकिन इसको हम देख सकते हैं कि रूलर्स के बदलने से किस तरीके से चेंज आते हैं. नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले एंड देर इज नो स्कोप ऑफ मोरेलिटी. तो यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मनी पावर एंड मसल पावर को यूज़ करके इलेक्शंस को मैनेज किया जाता है. बहुत ही सही बोला गया है, जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है, जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते हैं. जमहूरियत मीन्स लोकतंत्र. तो उसमें क्या है कि मेन जो हमारा कंसर्न होता है, दैट इज ऑन मेजॉरिटी, कि कैसे भी काउंटिंग मेजॉरिटी की पूरी होनी चाहिए. अब वो मेजॉरिटी किस तरीके से आ रही है, कैसे आ रही है, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय करप्शन, दैट इज सेकेंडरी. तो इसमें हम लोगों की मॉरेलिटी को नहीं देखते हैं. तो
तो दिस इज़ द वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स और डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी. नेक्स्ट वन इज द इट लीड्स टू द डिले. और इसमें हम देखें तो डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, सो मैनी इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व. तो उन इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्वमेंट से, बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है, और बहुत सारी एक तरीके से प्रोसीजर्स के होने से क्या होता है, डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ी कमी क्या रह जाती है कि इसमें डिसीजंस को लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं जीएसटी. तो जो जीएसटी था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अवर पार्लियामेंट इन अवर 2000 एंड यू कैन सी दैट दिस जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2017. तो एक जीएसटी के कानून को बनने में ही 17 ईयर्स लग गए. तो अगर इसको हम डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखें तो अगर जो कुछ डेवलपमेंट हमारा 2000 में होना चाहिए वो डेवलपमेंट हमारा हो रहा है 2017 में. तो इस तरीके से वी आर लैगिंग बिहाइंड. तो इन दिस वे दिस इज़ वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. और इसमें डेमोक्रेसी में आइडियाज़ को और डिसीजंस को, पॉलिसीज़ को बनाने में डिले होने के कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे कि अपोजिशन पार्टीज़. राइट. तो अपोजिशन पार्टीज़ उस चीज़ को डिले. इन द सेम वे वी कैन सी दैट इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव सो मैनी राइट्स एंड दे हैव राइट टू अपोज द गवर्नमेंट, दे हैव राइट टू अपोज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. इस वजह से भी क्या होता है, पॉलिसीज़ को बनाने में देर होती है. और कई बार हम देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी या प्रोग्राम या रूल को स्टार्ट करती है तो सो मैनी सूट्स, सो मैनी केसेस आर बींग फाइल्ड इन द कोर्ट्स. तो इस कोर्ट के प्रोसीजर को भी पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. सो इन दिस वे वी कैन सी दैट डेमोक्रेसी में डिसीजंस को लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. इन द सेम वे इलेक्टेड लीडर्स मैनी टाइम्स डू नॉट टेक द गुड डिसीजंस. इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं स्टूडेंट्स. जैसे हम देखें कि हमारी डेमोक्रेसी में हर किसी को इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का राइट दिया गया है. हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है, हर कोई इलेक्शन को जीत सकता है और जीतने के बाद में हर पर्सन मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है. तो जब भी कोई इस तरीके के लोग जब ऊंचे पोस्ट पर पहुंचते हैं तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो उस वर्क के लिए स्किल्ड हैं, दे आर ट्रेंड और दे आर कैपेबल. तो इसकी वजह से क्या होता है, मैनी टाइम्स वी सी दैट गुड डिसीजंस आर नॉट बीइंग टेकन बाय द लीडर्स, बाय द मिनिस्टर्स. इसी तरीके से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स दे आर डिपेंडेड ऑन द ऑफिसर्स फॉर देयर सेवरल वर्क्स. तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि जो डिसीजंस हैं वो अच्छे नहीं होते हैं. इन द स्टूडेंट्स सेम वे व्हाट वी सी दैट इन डेमोक्रेसी जो लीडर्स हैं उनका जो मेन कंसर्न होता है वो क्या है, इलेक्शंस को जीतना, पब्लिक को खुश रखना. तो उसकी वजह से चाहे उनके डिसीजन से कंट्री को कितना भी लॉस हो रहा हो तो कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरीके के भी डिसीजंस लिए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज करप्शन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. तो इलेक्शन में आप देखते हैं कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, वो करप्शन के थ्रू बाय हुक और बाय क्रूक दे मैनेजेस इलेक्शंस, इलेक्शन को वो मैनेज करते हैं. और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने जो पिछला पार्ट था उसमें भी हमने डिस्कस किए थे. तो ये क्या है कि जब कोई भी लीडर इलेक्शन में करप्शन करके जीतेगा सो नेचुरली दैट लीडर विल नॉट डू गुड वर्क, गुड जॉब इन फ्यूचर व्हेन ही विल बिकम द लीडर और मिनिस्टर और एनी दैट पर्सन विल होल्ड एनी पोस्ट. तो इस तरीके से दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. जी सर, ये तो डिमेरिट्स हुए हमारे पास. हमने देखे कि किस किस तरह से हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि ये लोकतंत्र के अगर विरोध में देखा जाए, अगेंस्ट देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट्स, तो उसके फेवर में भी काफ़ी चीज़ें होंगी, काफ़ी ऐसी बातें होंगी जो उसे और जो सिस्टम्स हैं उससे ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध बनाता है कि क्यों लोग जो देश है वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक नेशन बोलना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं. तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी रोशनी डाली जाए. बिल्कुल सही कहा आपने. और बच्चों, इस चीज़ को हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया
कि आज भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे वांट दैट दे शुड बी सेड एट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, उनको एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाए। तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है कि हर कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलवाना चाहती है। तो आइए हम इनकी कुछ मेरिट्स के बारे में चर्चा करें। एंड स्टूडेंट्स, देर आर सेवरल मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इसी वजह से ये जो रूलिंग सिस्टम है ये वर्ल्ड का आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रूलिंग सिस्टम है, बजाय कि मोनार्की के, बजाय मिलिट्री रूल के, बजाय कि ऑटोक्रेटिक रूल के। तो इसकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यू कैन नोट इट डाउन वन बाई वन एंड देन वी विल डिस्कस फॉर देम वन बाई वन। तो मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वन इज मेथड टू डील विद द डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट वन इज इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। नेक्स्ट वन इज इट अलाउज टू करेक्ट द मिस्टेक्स। एंड नेक्स्ट वन इज इट रन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारी मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी की। तो आइए यहाँ पर हम जो मेरिट्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं विच हैव बीन गिवन इन योर बुक, तो उस पर हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखें अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो व्हाट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट? अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो उत्तरदायी हो। उत्तरदायी का मतलब जिसे उत्तर देना पड़े, जिसे हम सवाल कर सकें और जो अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अगर हम देखें तो जो दूसरे फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, दोज आर नॉट सो मच अकाउंटेबल। अगर कोई कंट्री में ऑटोक्रेटिक रूल है, आज की डेट में हम देखें तालिबान, सो तालिबान रूल इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द पीपल, राइट। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री का या डेमोक्रेटिक सेटअप का जो सबसे बड़ा मेरिट है दैट इट हेल्प्स टू फॉर्म द रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होती है, उसे जवाब देना पड़ता है। स्टूडेंट सबसे पहले उन्हें जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में, इसके बाद में उनको जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो पूरी गवर्नमेंट होती है उसको जवाब देना पड़ता है मीडिया को। नेक्स्ट उसको जवाब देना पड़ता है जुडिशरी को। अभी देखें बहुत सारे जो केसेस हैं उसमें जुडिशरी पूछ रही गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू रेस्पॉन्ड। एग्जैक्टली, यस। और जो सबसे लास्ट में गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी बनती है दैट इज फॉर द पीपल ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इलेक्शंस में जब लीडर्स जाते हैं जनता के सामने तो उनको जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ता है कि आपने क्या किया, क्यों नहीं किया। सो दिस इज द अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और ये हमें दूसरी फॉर्म में दिखाई कम पड़ता है। नेक्स्ट वन इज इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में हम देखें दो सो मैनी इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। जैसे भी हमने चर्चा करी जीएसटी की, तो जीएसटी में हमने देखा कि इसको पास होने में, इसको इम्प्लीमेंट होने में 17 ईयर्स लग गए। तो इन 17 ईयर्स में क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हुई, इस पर डिस्कशंस हुए, इसकी मेरिट्स को देखा गया, डीमेरिट्स को देखा गया, इसमें कुछ इंक्लूजन्स किए गए, कुछ एक्सक्लूजन्स किए गए, और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जो स्टेट थे, स्टेट असेंबलीज थी, उनकी कॉन्सेंट ली गई, लोगों की कॉन्सेंट ली गई, एंड अल्टीमेटली जीएसटी वॉज पास्ड। तो अब आज की डेट में अगर हम जीएसटी को देखें सो इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल लॉ। तो ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर राज्य इसको आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। सो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट वन इज मेथड टू डील विद डिफरेंट डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें हम देखें अगर आज की डेट में, सो इंडिया इज़ ए वेरी डाइवर्स कंट्री, और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमको हर चीज़ में दिखती है, और इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, इसको और ज़्यादा एनरिच करने में डेमोक्रेसी इज़ हेल्पिंग हियर। और हम देखें कि हर कम्युनिटी को, हर वर्ग को, हर रिलीजन को
इक्वल राइट्स दिए गए हैं जिससे कि वो ग्रो कर पाएँ, उनको पावर में शेयर दिया गया है, पावर शेयरिंग की गई उनके साथ में, सो दैट दे कैन पुट देयर प्रॉब्लम्स बिफोर द गवर्नमेंट, दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्व्स। और इस तरीके से लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके बीच में जो स्ट्रगल्स हैं, उनको कम करता है और हमारी डाइवर्सिटी को और ज़्यादा एनरिच करता है। नेक्स्ट वन इज इट एनहेंसिस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। तो सिटीजन्स की जो डिग्निटी है, व्हाट इज डिग्निटी, डिग्निटी इज द सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स हमारा आत्मसम्मान। तो आप देखें कि डेमोक्रेसी में लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। अगर हम बहुत सारे राइट्स में से कुछ की अगर चर्चा करें तो राइट टू इक्वलिटी, राइट, राइट टू फ्रीडम, ऐसे जाने कितने सारे, राइट टू एजुकेशन, कितने सारे राइट्स दिए गए। और इन राइट्स की वजह से क्या है, जो पीपल या जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसकी डिग्निटी एनहेंस होती है, उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, वो अपनी बात को रख सकता है, अपनी बात को कह सकता है और न्याय पा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स भी हमारे पास रहते हैं, कि सबसे बड़ी बात कि अगर आप इंसान हैं तो आपके इंसान होने के साथ कुछ ऐसे मूलभूत तो बेसिक राइट्स हैं, अधिकार हैं, जो आपको पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो इंसान होने के नाते मिलने चाहिए, जो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में हम लोगों को मिलते हैं। बिल्कुल मिलने चाहिए और ये मिले हुए हैं लोगों को डेमोक्रेसी में। और इसी वजह से हम देखें कि किस तरीके से लोगों के जो राइट्स और डिग्निटी है उसको डेमोक्रेसी प्रिजर्व करता है। नॉट ओनली इट, हम देखें तो जैसे कि वीमेन राइट्स कमीशन, चिल्ड्रन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटीज कमीशन, ऐसे कितने सारे राइट्स और कमीशंस के थ्रू लोगों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन इज इट अलाउज टू करेक्ट अस द मिस्टेक्स। तो डेमोक्रेसी की एक सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई मिस्टेक हो भी रही है तो उस मिस्टेक को हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन उसका विरोध करता है, मीडिया उसका विरोध करता है, जुडिशरी है, लोग हैं। और इस तरीके से अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत कानून बनाया या कोई गलत लॉ बन भी गया तो फिर उसको करेक्ट किया जा सकता है। जी। नेक्स्ट इट रन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी ऑल नो दैट all the democratic countries are being run according to the constitution. Right. Now next one and the last topic is broader meaning of democracy. Ji. So students, ye broader meaning kya hai? So what we see that democracy is not only a political system, it is the way of life. Ek jeevan jeene ka tarika hai. Aur is democracy ko hum keval polity mein ya keval ruling form mein hi istemal nahi kar sakte hain. इसको हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पर्सन डेमोक्रेटिक है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी फैमिली में सारे डिसीजंस एक तरीके से मिलकर ले रहा है, सभी की ओपिनियन ले रहा है। कोई पर्सन डेमोक्रेटिक है, इट मीन्स दैट पर्सन इज हैज़ द मीन्स परसेप्शन ऑफ इक्वलिटी फॉर एवरीबडी, राइट। इन द सेम वे कोई पर्सन अगर डेमोक्रेटिक है तो इसका मतलब क्या है कि दैट पर्सन इज रेस्पेक्टिंग अदर कस्टम्स, अदर कल्चर्स, अदर रिलीजन्स। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो जो डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग केवल डेमोक्रेटिक यानी पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड नहीं है, हमारे दिन प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में भी हम डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम एनहेंस कर सकते हैं जी, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। तो आप अपनी डेली रूटीन में डेमोक्रेसी के जितने भी प्लस पॉइंट्स हैं और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आप अपने में ज़रूर लाएं। ये चेंज जब आप लाएंगे तो आप देखेंगे कि अपने अंदर सकारात्मक बदलाव आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आप में आ रहा है। जब पॉजिटिव चेंज आता है तो वो आपके लिए नहीं पूरे समाज के लिए अच्छा होता है। और समय बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँ। सर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने अपना बहुमूल्य हमें समय हमें दिया और आपने व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी पार्ट टू पर इतनी अच्छी चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू माय डियर लर्नर्स जी। और हम आप सभी को बता दें कि हमारे साथ रहे हमारे विशेषज्ञ श्री पवन कुमार गुप्ता। और डियर लर्नर्स, आप बने रहिए पीएमई विद्या चैनल के साथ। अभी हम थोड़े समय के लिए रुक रहे हैं और फिर हम एक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ आएंगे और आपको कुछ न कुछ ऐसा बताएंगे जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे रेणु भट्ट दीजिए इजाजत। नमस्कार।